गाइस मेरे YouTube चैनल टेक एंड सीएनसी हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेथ का विकास क्रम। तो लेथ के विकास क्रम में हमने पिछले वीडियो में हम जाना था ट्री लेथ से लेके सीएनसी डीएनसी तक हमको जानना है। इस विकास क्रम में तो हमने पिछले वीडियो में ट्री लेथ से लेके सेंटर लेथ तक के बारे में हमने जाना था। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ के बारे में। तो कैपेसिटन लेथ टरेट लेथ कौन सी लेथ हैं, इनका आवश्यकता क्यों पड़ी, इन लेथों की इनके एडवांटेज क्या हैं, ये सेंटर लेथ के साथ क्या डिफरेंस है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो इनको जानने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है लेथ के विकास क्रम का, विकास क्रम को अच्छे तरीके से आपको जानने के लिए समझने के लिए आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा और उसका डिस्कशन के लिंक में दिया गया है। तो आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ। कैपेसिटन लेथ को हम हिंदी में कैपेसिटर खराद बोलते हैं और टरेट लेथ को हम बुर्ज खराद बोलते हैं। ये मशीन को हम खराद बोलते हैं लेथ को, और इसमें जो ऑपरेट करता है उसको खरादिया बोलते हैं। तो कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उसको सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन क्या है? सेमी ऑटोमेटिक मशीन एक मशीन टूल है। इसमें कार्यखंड को करने के लिए, मशीन करने के लिए सभी आवश्यक कार्य जो सेट करने के बाद स्वयं ही चलते हैं। उसके बाद जब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, कार्य पूर्ण होने के पश्चात मशीन स्वयं रुक जाती है और उसमें ऑपरेटर कार्यों को निकालता है और नया कार्यखंड को लगा करके फिर से चालू करता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो मशीन बनाई जाती है, जो लेथ मशीन बनाई जाती है, उसको हम सेमी ऑटोमेटिक लेथ कहते हैं। अब हम जानते हैं लेथ मशीन के विकास क्रम में ये टरेट लेथ और कैपेसिटन लेथ का आविष्कार कब हुआ। टरेट लेथ जो है, इसका आविष्कार 1845 में स्टीफन फिच के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1873 में थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके पूरी तरीके से स्वचालित करके स्पेंसर महोदय ने इसका आविष्कार किया था। उस समय 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के मध्य तक उद्योगों में ये जो कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ हैं, ये दोनों मशीन टूल महत्वपूर्ण वर्ग में आते थे, क्योंकि इन्हीं से मास प्रोडक्शन होता था, देशों का विकास हो रहा था, नए नए उद्योगों का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, जिस कारण प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा था। डिमांड ज़्यादा होने के कारण ये मशीनों में प्रोडक्ट की मतलब मास प्रोडक्शन किया जाने लगा। प्रोडक्शन में सेंटर लेथ उस दर्जे तक का मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसमें टूल चेंज को लेके समय लगता था, जिस कारण से आवश्यकता हुई कि मशीन को मॉडिफाई किया जाए। तो सेंटर लेथ हम जानेंगे कि कैपेसिटन लेथ और जो टरेट लेथ हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस उद्देश्य से इनको बनाया गया, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर लेथ मशीन में डिफरेंस टाइप के ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार के सिलिंड्रिकल वर्कपीस तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस टाइप के ऑपरेशन के लिए हमको टूल को बार बार चेंज करना पड़ता है, जिससे हमको समय अधिक लगता है। मतलब उसकी कीमत जो है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसका कीमत बढ़ जाता है। और सेंटर ये बोल सकते हैं कि सेंटर लेथ मशीन में टूल को हम लोग एक बार सेट करने से जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता है। और सेंटर लेथ मशीन में हम लोग कार्य को मतलब जो वर्क पीस है उसको सपोर्ट करने के लिए, ड्रिलिंग रिमिंग जो ऑपरेशन हैं उनको करने के लिए, टूल को पकड़ने के लिए हम लोग टेलिस्टॉक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे टेलिस्टॉक रहता है सेंटर लेथ मशीन में, उसके राइट साइड में, तो उसको पकड़ा जाता है। ओनली सिंगल टूल पकड़ता है वो टेलिस्टॉक। और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिनको सरफेस के अलावा उनके फेज में भी सामने तरफ भी कुछ संक्रियाएं मतलब ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जैसे आपका सेंटरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, बोरिंग हो गया, इंटरनल थ्रेडिंग हो गया। ऐसे कुछ ऑपरेशन हैं जिनको सेंटर में करने पड़ते हैं और इनको कम समय में ऊंची उत्पादन दर के साथ करना पड़ता है। तो ऊंची उत्पादन दर मतलब मास प्रोडक्शन जो है किसी प्रोडक्ट का करेंगे तो उसका जो शेप और साइज है वो भी समान होना चाहिए। जो उत्पादन दर में जो हमारी वृद्धि थी, उत्पादन दर को हमको जो बढ़ाना था, उसके लिए हम क्या कर सकते थे, ये जो प्रोडक्ट्स ये डिफरेंस टाइप के जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हमको बार बार टूल चेंज करना पड़ रहा है, टूल को सेट करने में जो समय लग रहा है उस समय को कम करके हम उसमें उत्पादन दर बढ़ा सकते थे। मतलब ऐसे मशीन टूल की हम लोगों को आवश्यकता थी, जिसको उत्पादन के लिए हम लोग औजारों को एक बार सेट करने से प्रोडक्ट तैयार होना संभव हो सके। तो इससे क्या होता, हमारा कम कीमत में ऊंची उत्पादन दर प्राप्त होता। और दूसरी चीज़, अगर एक साथ एक टूल के अलावा दो टूल का भी प्रयोग अगर कर सकते थे उसमें और हाई उत्पादन होता, मतलब ऊंची उत्पादन दर होती। तो इस जो आवश्यकता थी हमारी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ का प्रयोग किया। तो और कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ का जो हमने प्रयोग किया वो आवश्यकता को उन्होंने पूरी किया, क्योंकि कैपेसिटन लेथ और टरेट लेथ में हम लोग टूल को जब एक बार हम सेट कर लेते हैं तो उसको क्रमबद्ध तरीके से हम उसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो टरेट हेड रहता है इसमें हम लोग 6 टूल को होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग सेंटर लेथ मशीन में हमको टूल को निकालना पड़ता है, फिर दूसरा ड्रिल लगाना पड़ता है, उस ड्रिल को निकाल के फिर रिवनर लगाना पड़ता है, वो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें जो समय ज़्यादा लगता है इसमें वैसा समय ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि 6 टूल एक साथ होल्ड करते हैं, इसमें 6 होल्ड रहते हैं। जो 6 टूल होल्ड करते हैं तो 6 टूल को हम बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें एक क्रॉस स्लाइड में एक टूल पोस्ट होता है जिसको हम लोग रियल टूल पोस्ट बोलते हैं, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ तक एक या एक से अधिक टूल एक साथ भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिस कारण से कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ प्रोडक्शन के क्षेत्र में हाई हो गए, इनका महत्वपूर्ण स्थान हुआ, क्योंकि ये कम कीमत कम समय में ऊंची उत्पादन की दर को इन्होंने प्राप्त की, जिस कारण कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ का प्रयोग उस समय ऑटोमेटिक मशीन के रूप में करते थे। उस समय का ये ऑटोमेटिक मशीन था। टरेट लेथ और कैपेसिटर लेथ दोनों का कार्य सिद्धांत मैकेनिज्म डिजाइन लगभग सेम होता है, और दोनों मशीनें सेमी ऑटोमेटिक ढंग की मशीनें होती हैं। दोनों का यूज़ जो है मास प्रोडक्शन के लिए होता है। दोनों मशीनों में एक मल्टी होल्डिंग टूल डिवाइस लगी होती है, दोनों के हेड में मल्टी टूल होल्डिंग डिवाइस लगी रहती है। टरेट लेथ मशीन में जो लगी रहती है उसको टरेट हेड बोलते हैं, और कैपेसिटर लेथ में जो लगी होती है हेड उसको कैपेसिटर हेड बोलते हैं। ये जो हेड लगी रहती है इसको टरेट लेथ मशीन में टरेट हेड बोलते हैं और कैपेसिटर लेथ मशीन में कैपेसिटर हेड बोलते हैं। जो कैपेसिटर में सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, प्राय वृत्ताकार वाला ये हेड लगाया होता है कैपेसिटर में, और उसमें 6 होल रहते हैं। 6 होल में सब में टूल, ये जो होल रहते हैं उसमें टूल होल्ड किए जाते हैं, और ये वर्टिकल रहते हैं, कभी कभी ये थोड़ा सा एंगल में भी रहते हैं, लेकिन इसके जो होल रहते हैं ये हॉरिजेंटल रहते हैं। ये वर्टिकल में रहेंगे तो भी इसके होल हॉरिजेंटल रहेंगे, ताकि आपका जो टूल है वो सेंटर में काम करे, इस कारण। और जो टरेट हेड होता है, टरेट हेड वो भी हेक्सागोनल होता है। ये जैसे सर्कुलर होता है, टरेट हेड का जो टरेट हेड है वो प्राय जो हेक्सागोनल यूज़ करते हैं, और वो भी स्ट्रेट मतलब वर्टिकल रहता है, कभी कभी एंगुलर में वो रहता है, उसके बाद भी उसका भी होल हॉरिजेंटल रहते हैं। ये दोनों का कार्य सिद्धांत लगभग सेम होता है। कैपेसिटर में जो कैपेसिटर हेड लगा रहता है वो डायरेक्ट सैडल में लग के वो रैम्प अथवा एक स्लाइड बोलते हैं उसमें फिट रहता है, यहाँ पे लगा होता है दोनों के बीच में। वो सैडल के मार्गों में वो स्लाइड करता है और कहीं भी सैडल को फिक्स किया जाता है। और इसका जो कैपेसिटर हेड होता है, कैपेसिटर हेड को हम रैम के द्वारा उसको खिसका के कहीं भी फिक्स करते हैं, और टूल को जो फीड देते हैं हम लोग सैडल के माध्यम से नहीं देते हैं, वो रैम को खिसका के उसको फीड दिया जाता है। कैपेसिटर लेथ को उसके साथ रैम की व्यवस्था होने के कारण कुछ निर्माता जो है उसको रैम टाइप टरेट लेथ मशीन भी कहते हैं। और टरेट हेड जो रहता है, टरेट हेड को हम सैडल के द्वारा हम फीड देते हैं, और कैपेसिटर लेथ जो है छोटे कार्यों मतलब अधिक प्रिसीजन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और टरेट हेड जो है, टरेट लेथ जो होते हैं वो भारी कार्यों के लिए यूज़ होते हैं। और ये टरेट कैपेसिटर लेथ जो है वो 10 हार्स पावर की मोटर से वो चलती है, लेकिन टरेट लेथ जो है वो उसमें 50 हार्स पावर की उसमें मोटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो भारी कार्य करते हैं। और ये कैपेसिटर लेथ जो होती है, कैपेसिटर छोटे कार्य करते हैं, प्रिसीजन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर और टरेट लेथ में टरेट हेड के अलावा एक क्रॉस स्लाइड में भी एक टूल पोस्ट होती है जिसको हम रियर टूल पोस्ट बोलते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक या एक से अधिक टूल एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। टरेट हेड जो लगा रहता है, टरेट हेड से भी हम लोग टूल को यूज़ कर सकते हैं, और जो यहाँ पे एक टूल पोस्ट बनाया है इसको रियल टूल पोस्ट बोलते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं एक साथ, इसको भी और इसको भी, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इस कारण इसमें प्रोडक्शन जो है मास प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है, और समय इसमें कम लगती है, और आपकी उत्पादन दर हमेशा ऊपर रहता है। जानेंगे सेंटर लेथ तथा कैपेसिटर व टरेट लेथ में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सेंटर लेथ एंड कैपेसिटर एंड टरेट लेथ, मतलब एक तरफ आपका सेंटर लेथ रहेगा और एक तरफ आपके टरेट और कैपेसिटर लेथ रहेंगे, दोनों के बीच में हम लोग जानेंगे अंतर। तो सेंटर लेथ क्या होता है, हम लोग जनरल वर्क के लिए इसको यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर और टरेट लेथ जो हैं इनको हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और सेंटर लेथ में इसका जो हेड स्टॉक रहता है ये छोटा व हल्का होता है, लेकिन टरेट लेथ और कैपेसिटर लेथ के जो हेड स्टॉक होते हैं वो बड़ा होता है और भारी होता है। टरेट लेथ में जो मोटर लगी रहती है इलेक्ट्रिक मोटर वो 3 हार्स पावर तक की लगी होती है, लेकिन टरेट और कैपेसिटर में हम लोग 10 हार्स पावर से लेके 50 हार्स पावर तक की हम मोटर यूज़ करते हैं। सेंटर लेथ में हम लोग बड़ा से बड़ा 4 मुख वाला टूल पोस्ट यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन टरेट और कैपेस्टन लेथ में क्या होता है, क्रॉस स्लाइड पर एक और टूल पोस्ट होता है। टरेट लेथ और कैपेस्टन लेथ के क्रॉस स्लाइड पर एक और टूल पोस्ट होता है जिसको हम लोग रियर टूल पोस्ट बोलते हैं, और एक टूल होल्डर होता है जिसमें टरेट हेड बोलते हैं, वो लगा रहता है टेलिस्टॉक के जगह पे। अब आते हैं हम लोग सेंटर लेथ में। सेंटर लेथ इसमें एक टेलिस्टॉक होता है जिसमें हम लोग केवल एक ही टूल पकड़ा जा सकता है, और वो टूल होता है ड्रिल हो गया आपका, रिमर हो गया आपका, ड्रिल चग हो गया, ये सब उसमें पकड़ते हैं या तो फिर जॉब को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कैपेस्टन और टरेट लेथ में क्या होता है, टेलिस्टॉक के स्थान पर एक 6 मुख वाला एक टरेट हेड होता है जिसमें हम लोग आवश्यकता अनुसार 6 टूल को एक साथ सेट कर सकते हैं। सेंटर लेथ मशीन में कंपाउंड स्लाइड लगी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड स्लाइड। लेकिन कैपेस्टन और टरेट लेथ में किसी प्रकार का कोई कंपाउंड स्लाइड नहीं लगी होती है। इसमें हम लोगों को टेपर काटने के लिए, ये कंपाउंड स्लाइड का कार्य होता है सेंटर लेथ मशीन में टेपर काटना, छोटा टेपर काटने के लिए। वैसे ही टरेट और कैपेस्टन लेथ में हम लोग को जब टेपर टर्निंग करना रहता है तो हम लोग टेपर टर्निंग अटैचमेंट का यूज़ करते हैं। एक खराबी होती है सेंटर लेथ मशीन में जिसके कारण हम लोग टरेट और कैपेस्टन लेथ मशीन की तरफ गए, तो वो है इसमें टूल को हमको बार बार बदलना पड़ता है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए हमको टूल को बार बार बदलना पड़ता है, जिसके कारण हमको सेंटर लेथ में समय बहुत ज़्यादा लगता है। समय बहुत ज़्यादा लगने के कारण इसमें प्रोडक्शन आपका कम होता है, ऊंची कीमत हो जाती है। और कैपेस्टन और टरेट लेथ में क्या है, एक बार टूल को हम सेट करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग ऑपरेशन को फिनिश कर सकते हैं, जिसके कारण हमको समय कम लगता है। सेंटर लेथ मशीन में और एक चीज़ होती है कि इस मशीन पर एक समय पर एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन कैपेस्टन और टरेट लेथ मशीन पर एक समय पर एक से अधिक ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। सेंटर लेथ मशीन में हम लोग टूल को बार बार चेंज करने के कारण हम लोग को समय अधिक लगता है, जिसके कारण इसमें जो उत्पादन कीमत है प्रोडक्ट का उसमें हाई आता है। और कैपेस्टन और टरेट में एक साथ हम लोग 1 से 2 टूल यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण इसमें उत्पादन लागत जो है हमारा बहुत कम आता है। और सेंटर लेथ मशीन में कुशल कारीगर कार्य कर सकता है, क्योंकि आपको हमेशा बार बार अलग अलग टूल सेट करना है और ऑपरेशन करना है, जिसके कारण इसमें कोई स्टॉपर वगैरह भी नहीं लगे रहते, तो बार बार चेक करना पड़ता है, तो एक कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। और कैपेस्टन और टरेट लेथ मशीन में क्या होता है, इसमें मशीन को एक बार एक कुशल कारीगर सेट कर देता है तो एक अर्धकुशल कारीगर भी इसमें कार्य कर सकता है, क्योंकि इसमें स्टॉपर वगैरह लगे रहते हैं तो समान साइज के जॉब निकलते हैं टरेट और कैपेस्टन लेथ में। और सेंटर लेथ मशीन में जो उत्पादन है वो सीमित होती है, लेकिन टरेट और कैपेस्टन लेथ में उत्पादन जो है अधिक मात्रा में होती है। लेथ मशीन, सेंटर लेथ मशीन में क्या होता है, जॉब को हम बनाते हैं तो जॉब को हमेशा हमको नापने की आवश्यकता पड़ती है, हर जॉब के हर साइज़ को हमको नापने की आवश्यकता होती है। लेकिन कैपेस्टन और टरेट लेथ मशीन में हमारे उस मशीन में स्टॉप और स्टॉप्स के कई सेटिंग्स होते हैं, उनको सेटिंग एक बार कर देने से जॉब के साइज एक समान आते हैं, तो हमेशा आपको जॉब चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेंटर लेथ मशीन पर छोटे छोटे कट लगा करके कार्य को पूरे किए जाते हैं, लेकिन कैपेस्टन और टरेट लेथ मशीन पर हम भारी और गहरे कट दे करके जॉब को शीघ्रता के साथ बनाते हैं। सेंटर लेथ मशीन में टेलिस्टॉक पर लगे ड्रिल, रिमर, इसको हाथों द्वारा फेंट दिया जाता है, और टरेट हेड पर लगे ड्रिल, रिमर को हम लोग बाकी जो दूसरे टूल हैं उनको ऑटोमेटिक फीड दी जा सकती है। सेंटर लेथ मशीन पर हम लोग जब चूड़िया काटते हैं तो लीड स्क्रू के द्वारा काटा जाता है, लीड स्क्रू के द्वारा हम लोग काटते हैं, वो मैनुअली काटते हैं। और जो हम कैपेस्टन लेथ और टरेट लेथ में जो चूड़िया काटते हैं तो उसके लिए हमको डाई, टेप्स, डाई मतलब आपका एक्सटर्नल चूड़ी काटने के लिए टेप, इंटरनल चूड़ी काटने के लिए चेजर और थ्रेड गाइड की हम लोग सहायता लेते हैं। अब हम जानेंगे सेंटर लेथ की अपेक्षा कैपेस्टन लेथ और टरेट लेथों में कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, मतलब कैपेस्टन लेथ और टरेट लेथ के एडवांटेज के बारे में। तो कैपेस्टन लेथ और टरेट लेथ में कार्य को जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम जल्दी बना सकते हैं। इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अलावा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और कटर्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और टूल को सेट करते टाइम हमको समय ज़्यादा नहीं लगता, और टूल एक बार सेट हो जाने के बाद उसको हम क्रमबद्ध तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। उसमें एक कुशल कारीगर के द्वारा 1 से अधिक कैपेस्टन और टरेट लेथ को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। एक कुशल कारीगर एक बार मशीन को सेट कर लेता है, टूल्स को सेट कर लेता है, तो उसमें एक अर्धकुशल कारीगर भी उसमें भली भांति कार्य कर सकता है। एक ही साइज और आकार के अधिक पार्ट्स बनाने के लिए हम लोगों को बार बार उसके साइज को चेक करने की हमको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये थे हमारे कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ के एडवांटेज थे। इस एडवांटेज के कारण कैपेसिटर लेथ और टरेट लेथ का मास प्रोडक्शन में यूज़ किया गया। लेथ मशीन के इस विकास क्रम में हम अगला वीडियो एनसी मशीन को लेके बनाएंगे। और आज के वीडियो के लिए आप लोगों को धन्यवाद। कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें आप लोग।